हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और आज की जो रेसिपी है वो है बादाम केसर मिल्क। तो बादाम केसर मिल्क बनाने की जो आज रेसिपी है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा चैनल टैलेंटेड फारूकीज ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दें। फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लाजवाब और गर्मा गर्म रेसिपी, जिसका नाम है बादाम केसर दूध। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ बादाम ले लिए हैं जिन्हें हमने ओवरनाइट सोक किया है। सोक करने का जो मकसद है वो ये है कि ये आसानी से पील हो जाते हैं। तो सोक करने के बाद आप इन्हें पील कर लें। पील करने के बाद हमने इन्हें मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा दूध डालकर आप इसे पीसें, आसानी से पेस्ट बहुत अच्छे से फाइन बनेगा। तो ये देखिए जो बादाम है उनका बहुत ही फाइन पेस्ट बनकर रेडी है। हमने यहाँ पर ले लिया है दूध। हम यहाँ पर दो लोगों के लिए यानी कि दो ग्लासेस बादाम केसर मिल्क बना रहे हैं। और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी ऐड करें। कुछ स्ट्रैंड्स हमारे पास यहाँ पर केसर की हैं, तो दूध को अच्छे से बॉईल आने तक पकाएं। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें इसमें। और हमने अब यहाँ पर ऐड की है कुछ स्ट्रैंड्स केसर की। 5 मिनट तक हमने अच्छे से इसे पकाया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है केसर का। और जो हमने बादाम का पेस्ट बनाया है वो भी अब इसमें ऐड कर दें। बादाम का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से 1 मिनट तक और पकाएं, बॉईल आने दें और अब इसे ग्लासेस में सर्व करें। गार्निश करें इन्हें आमंड्स के साथ और केसर स्ट्रैंड्स के साथ। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो, हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहें, हमारी वीडियोस को लाइक देते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। बाय बाय।